बीजेपी के नेता के इस्तीफे के मालवा निमाड़ की राजनीति में हलचल, क्या बदल रहे हैं दलों के समर्थक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मालवा निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश के राजनीतिक गर्मा गर्मी में है, जहां बीजेपी को एक नेता का इस्तीफा देने का अल्टीमेटम प्रभाव पड़ रहा है। इस दौरान बीजेपी के प्रमुख नेताओं के लिए एक चुनौती उत्पन्न हो रही है। वे अपनी पार्टी के नेताओं को समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं। राऊ उपचुनाव क्षेत्र के दिग्गज नेता और अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हार ने बीजेपी को छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ किया है कि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। यह स्थिति बीजेपी के प्रमुख मधु वर्मा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा कर रही है, क्योंकि पार्टी ने उन्हें राऊ से उम्मीदवार बनाया है। इस आलेख में हम दिनेश मल्हार के इस निर्णय के पीछे की कहानी को और उसके राजनीतिक प्रभावों को समझेंगे। दिनेश मल्हार का राजनीतिक सफर 1989 में शुरू हुआ था, जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। उन्होंने बीजेपी में अपने कार्यकर्ता जीवन की शुरुआत की और पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में कई चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने लगातार 5 बार चुनाव लड़े, जिनमें से कई चुनौतियों को पार किया। मालवा निमाड़ क्षेत्र के दिग्गज नेता और अखिल भारतीय धाकड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मल्हार ने बीजेपी से इस्तीफा देने का मुख्य कारण उनकी पार्टी में निरंतर बदलाव का अभाव है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को समाधान नहीं दिया और काम कराने के बाद उन्हें समझौते में शामिल कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने की आशंका है और इसका संकेत उन्हें मिल चुका है। दिनेश मल्हार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला कर चुके हैं और इसके लिए 23 सितम्बर को कमलनाथ की मौजूदगी में इंदौर में ज्वाइन कर सकते हैं। दिनेश मल्हार के इस इस्तीफे का बीजेपी पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और विशेष रूप से उनके बीजेपी के प्रमुख मधु वर्मा के लिए यह एक चुनौती का सामना है। बीजेपी ने मल्हार को राऊ से उम्मीदवार बनाया है और इस इस्तीफे के बाद पार्टी को उसकी जगह पास करने की कठिनाई हो रही है। मल्हार ने बताया कि उनकी पार्टी में निरंतर बदलाव के बावजूद उन्हें पार्टी का समर्थन नहीं मिला और उन्हें समझौते के लिए शामिल नहीं किया गया। इस इस्तीफे के बाद बीजेपी के नेता द्वारा दिनेश मल्हार पर कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं और पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे। दिनेश मल्हार के इस इस्तीफे ने मालवा निमाड़ क्षेत्र की राजनीतिक मानसिकता को हिला दिया है और यह दिखाता है कि कैसे बीजेपी के प्रमुख नेताओं के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न हो रही है। मल्हार के इस इस्तीफे से साफ हो गया है कि राजनीतिक बदलाव के बीच कई नेताएं अपने स्थानों को बदल रहे हैं और नए समय की मांगों के साथ कदम मिला रहे हैं। यह भी दिखाता है कि आगामी चुनाव में कैसे राजनीतिक दलों के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।